الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله الله رب वनमहसिनबल्ज़त का हम बेतहा शुक्र अदा करते हैं कि एक तवील वक्फे के बाद जो तकरीबन डेढ़ से दो सालों पर महित व मुश्तमिल है हमारे दुरुस का सिलसिला इस मस्जिद ख़लीलुल्लाह में फिर से शुरू हुआ चाहता और शुरू होने जा रहा है ये वक्फ़ा जो न सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी का और आपकी ज़िंदगी का बल्कि इंसानी तारीख़ का एक नाकबिल फरामोश मरहला और एक नाकॉबिल फ़रामोश वक्फ़ा रहा जब सारी दुनिया कोविड नाइनटीन की आजमाइश से गुज़री जिस आजमाइश ने कि इंसान को उसकी अवकात याद दिलाई उसकी हैसियत याद दिलाई जिस इंसान को अपनी तरक्की पे नाज था अपने ूम फ़नून पे नाज था रब्बुल रब्ज़त ने अपनी एक छोटी सी और हकीर सी मखलूक़ के ज़रिए से इंसान की इस तरक्की की हैसियत बता दी और इंसानी तारीख का सबसे तरक्याफ़्ता मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा पूरी तरह से फेल रहा आजिज़ रहा बेबस रहा अलगर गुजता जो डेढ़ दो साल का वक्फ़ा जहाँ निज़ाम दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम रहा क्या दीन क्या दुनिया सारे ही मामलत बहुत मुतासर रहे तो इस वक्फ़े को कभी भूलना नहीं चाहिए इस वक्फे को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए जिंदगी भर इसको याद रखना चाहिए कि रब्बुल इज़्ज़त ने उस इंसान को जो अपनी ूम फ़नून की तरक्की की वजह से ये समझ बैठा था कि जैसे कि मैं इसका इनाप का खुदा हूँ अल्लाह ने इंसान को चुटकियों में बता दिया कि तू तो हकीर से नुतफे से बना हुआ एक कमज़ोर आजिज़ और बेबस इंसान है और इससे बढ़कर तेरी कोई हैसियत नहीं इस सबक़ को कभी भूलना नहीं चाहिए इस सबक़ को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए तो मेरे हाल डेढ़ दो साल से प्रोग्रामों का सिलसिला रुका हुआ द्रूस का सिलसिला रुका हुआ हम अल्लाह तबारक का शुक्र अदा करते हैं कि फिर से हमारे दुरुस् का ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद खलीलुल्लाह आपकी ये मस्जिद हमारे शहर की मस्जिदों में इसकी अपनी एक इम्तियाज़ी ख़ूसियत है इसकी अपनी एक इम्तियाज़ी पहचान है यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पंच वक़्ता नमाज़ों का अहतमाम यहाँ होता है यहाँ से ऐसे नशातात, ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे उम्मत की नई नस्लों को नौजवानों को माओ बहनों को माशरे को समाज को बहुत फ़ायदा पहुंचता है यहाँ से इल्म तकसीम होता है मुख्तलफ़ मुख्तलिफ मौजुआत पर यहाँ हाजरी देते हैं किसी की हाजरी हफ्ता वारी है किसी की पंद्रह दिन में एक बार है किसी की महीने में एक बार है अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से इस मस्जिद से जुड़े रहे और यहाँ की आवाम उलमा की क़दर की उलमा की क़दर करने वाले लोग रहे तो बहुत खैर ख़ूबी के से बहुत सारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हुए हैं सीरत का जो प्रोग्राम माह शाबाद में हुआ हुआ हु, था आज से पाँच छः साल कबल अशर्य मुबर का जो प्रोग्राम हुआ था सीरतम मोमिनीन का जो प्रोग्राम हुआ था ये सब वो प्रोग्राम हैं कि वो दिन याद आते हैं तो अल्लाह तबारक वाली का हम सब को शकर अदा करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये नशातात अब फिर से शुरू हुए हैं आपके इल में होगा कि इन शह ती इसी महीने की उन्नीस तारीख को बेंगलोर दुरूस की जानिब से एक वर्कशॉप का इनेकाद इस मस्जिद में हुआ है जिसमें शेख अबू जैद जमीर हफीज़ुल्ला आएंगे तशीफ़ लाएंगे और वो बच्चों की तलीम और तरबियत के हवाले से मुफीद गुफ्तु फरमाएंगे तो हम वालदान से सरपरस्तों से आप सब से गुजारिश करते हैं कि इस वर्कशॉप में ज़रूर शामिल हो शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तीफ़ादे की कोशिश करें हजरात देखिए हमारा जो टॉपिक है जिस टॉपिक पे हमारे दुरुस्त का सिलसिला यहाँ जुमेरात को चला करता था हर महीने की आखिरी जुमेरात को वो एक टॉपिक था जिसे लेके हम चल रहे थे कियामत और आलम कियामत का टॉपिक तो ख़त्म हो गया था आलम आखिरत का जो टॉपिक है वो चल रहा था और इन इस टॉपिक के कुछ हिस्से जो बाकी रह गए हैं आने वाले दिनों में हम उस पर गुफ्तु करेंगे और उस मौजु को ख़त्म करने के बाद हमारे सामने दो तीन और अहम मौजूद हैं जिनका सिलसिला हम इन श्ल्ह त मस्जिद में बेज़न ला शुरू करने वाले हैं अल्लाह ताली हम सबको अपनी तोफ़ी से नवाजें आज जो एक तमहिदी गुफ्तगू की हैसियत से मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी इस आयत पर गुफ्तु कर रखे या या इस पर रोशनी डाल के मैं अपनी गुफ्तगु को ख़त्म करता हूँ ये जो आयत मैंने पढ़ी व लदीन जाबू ये यह सुरतुल की आयत है और बहुत अहम आयत है आयत का तर्जुमा क्या है व लदीन जिन लोगों ने हमारे रास्ते में और हमारे सिलसिले में मुजाहदा किया हो तगदो की हो लना न हम सबुलना हम ज़रूर बस ज़रूर उनके आगे अपनी राहें खोलेंगे वम्लमसिन और यकीन तबारक व नेक नेकोकारों के साथ है अच्छा ये करने वालों के साथ है और नेक लोगों के साथ है ये आयत देखिए दो अहम बातें बताती है दीन के हवाले से होने वाली कोई भी मेहनत दीन के हवाले से होने वाला कोई भी काम दीन के हवाले से गुजरने वाली जिंदगी हमसे क्या चाहती है कहा दीन के हवाले से होने वाला कोई भी काम उसकी कामयाबी के लिए दो शर्तें हैं ये दो शर्तें जब आएंगी जब पाई जाएंगी तो वो काम अल्लाह के नजदीक कामयाब होगा मकबूल होगा और अल्लाह उस काम करने वाले से राजी होगा और अगर ये दो शर्तें ना पाई जाएं किसी भी काम में जो दीन के हवाले से होता है तो फिर वो काम मरदूद हो जाएगा क्या है ये काम सबसे पहली शर्त पहली शर्त वो है जद यानी मुजाहदा मुजाहदा किसे बोलते जानते हैं मुजाहदा कहते हैं अनथक कोशिश करना मेरी इस्तात में आपकी इस्तात में मेरे और आपके बस में जितनी ताकत है वो सारी ताकत भर हुए कार लाना अपना वक्त अपनी मेहनत अपनी जहानत अपनी क़वत अपनी ताकत अपनी दौलत जितना हम कर सकते हैं हमारे बस में जितना है उस पूरी कोशिश के खर्च करने को सर्फ करने को मुजाहदा कहते हैं यानी दीन के सिलसिले में अल्लाह व तआला को हमसे और आपसे मुजाहदा मतलूब है थोड़ी सी कोशिश जरा सी मेहनत कमजोर सी कोशिश यह नाकाफी है दीन के सिलसिले में पूरी कोशिश पूरा बस पूरी ताकत लगा देना चाहिए अल्लाह ने दूसरे मुकाम पे भी फरमाया वजह ही दो हक जिहादे अल्लाह के सिलसिले में अल्लाह के दीन के सिलसिले में दीन पर अमल करने के सिलसिले में दीन को फैलाने के सिलसिले में दीन की तबलीग और नश्रो ऐशात के सिलसिले में वैसी मेहनत करो वैसा मुजाहदा करो कि जैसा कि करना चाहिए तो पहली शर्त है कि आप दीन के हवाले से दीन पर चलने के हवाले से भी और दीन के हवाले से जो भी खिदमत आप करना चाहते हैं यहाँ आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए अपनी सारी ताकत को लगा। दूसरी शर्त इस कोशिश के साथ साथ इस मेहनत के साथ साथ, फीना कि ये मेहनत और कोशिश का मकसद क्या हो नाम कमाना हो मशहूर होना हो नहीं अल्लाह ने कहा यह मेहनत हमारी खातिर हमारे रास्ते में हो रही हो इखलास अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह को खुश करने के लिए दुनिया को दिखाने के लिए नहीं मुसलियों को सदर सेक्रेटरी को खुश करने के लिए नहीं मुआशरे को खुश करने के लिए नहीं समाज को खुश करने के लिए नहीं लोगों को दिखाने के लिए नहीं हमारी कोशिश और हमारी मेहनत का एक ही महवर होना चाहिए एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए कोशिश करने वाले के पेश नजर एक ही चीज हो अल्लाह हमसे खुश हो जाए अल्लाह हमसे राजी हो जाए दुनिया क्या कहती है लोग क्या कहते हैं लोग क्या समझते हैं अल्लाह अगर राजी हो गया तो दुनिया वालों की नाराजगी कोई हैसियत नहीं रखती और कोई माना नहीं रखती इसीलिए कहा वदीना जहादीना जिन जो लोग मेहनत करते हैं तगोद करते हैं कोशिश करते हैं और उनकी मेहनत और कोशिश हमारी खातिर होती है हमारे रास्ते में होती है तब अल्लाह का वादा है हम ऐसे बंदों के आगे ज़रूर जरूर अपनी राहें खोलेंगे अपने रास्ते खोलेंगे अरबी ग्रामर से अरबी ज़बान के असूल और कवानी से अगर आप वाकिफ़ हों तो यहाँ यहाँ आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे ताक़ीदी उसलूब में ये नहीं कहा हम ज़रूर उनके आगे अपना एक रास्ता खोलेंगे अल्लाह ने कहा सब रास्ते खोलेंगे आप एक रास्ते के लिए कोशिश करो हम कई रास्ते खोलेंगे तो दीन के सिलसिले में होने वाली कोई भी मेहनत कोई भी कोशिश वो नाकाम नहीं हो सकती वो ना मुराद नहीं हो सकती वो कामयाब होकर रहेगी शर्त यह है कि ये दो सिफात पाई जाए उस मेहनत में उस कोशिश में एक तो मुजाहदे के लेवल की कोशिश और दूसरे अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी का हसूल उसका मकसद हो जिसे दूसरे अल्फाज में इखलास कहते हैं सूरत अनकबूत देखिए ये लास्ट आयत है सूरत अलहकबूर की और आपको मालूम है ये असल में ये आयत उन सहाबा के बारे में नाजिल हुई जो मक्की जिंदगी में मुशरक़ी ने मक्का के जुल्म सितम को सुबह शाम सह रहे थे मुशरक़ी ने मक्का ने उन्हें टारगेट कर रखा था सुबह सताए जाते शाम सताए जाते उनके दिन मजलूमियत में गुजर रहे थे उनकी रातें मजलूमियत में गुजर रही थी चैन नहीं था अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पर क़ुरबानी सहाबा दिए जा रहे थे उस वक्त आयत नाजिल हुई उन सहाबा से वादा करते हुए आज तुम जो कुर्बानियां दे रहे हो आज जो तुम अल्लाह के रास्ते में पसीना बहा रहे हो आज जो तुम अल्लाह के दीन की खातिर खून बहा रहे हो तुम्हारे खून और पसीने का एक एक कतरा रंग ला कर रहेगा तुम्हारे पसीने का एक कतरा भी बेकार नहीं जाएगा डटे रहो जमे रहो अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे आगे रास्ते खोलने वाला है यही वजह है देखिए सूरह अलअनकबूथ शुरू होती किस आयत से सूरह अलअनकबूथ का शुरू का मज़मून यही है इbtिला का मज़मून, आजमाइश का मज़मून है अलिफ लाम मीम अहसब الناس एन अं यतरकु एन अं यकुलू आमनना वहुम ला यफ्टनून क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि जबान से ईमान का दावा करने पर वो बिना आजमाए ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे ऐसा हरगिज़ नहीं होगा हम आजमाएंगे जरूर क्यों वलिन तुमसे पहले गुजरे लोगों को भी हमने आजमाइश से गुजारा है तुमसे पहले गुजरे लोगों का भी हमने इम्तिहान लिया है तुम्हारा भी इम्तिहान लेंगे तुम्हें भी आजमा इससे गुजारेंगे मुसलमानों सहाबा से खिताब है तो सहाबा कुर्बानियां दे रहे थे तो सूरतबूत की आखिरी आयत में उनसे वादा किया जा रहा है कि तुम्हारी ये कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी रोशन मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है रोशन मुस्तकबिल तुम्हारा मुंतजर है और ये वादा पूरा हुआ अल्लाह का कि हम तुम्हारे आगे रास्ते खोलेंगे हम तुम्हारे आगे राहें खोलेंगे ये वादा पूरा हुआ मदनी ज़िंदगी में जब यानी मक्के में मजलूमीत के बाद सताए जाने के बाद हजरत साहब कराम रजवानल आली मजमाइन ने हिज़रत हजरत मदीना की और मदीना आए तो मजलूमियत ख़त्म हुई और मुसलमान म, मक्के में मगलूब थे मदीना आकर गालिब हो गए मक्के में महकूम थे मदीना आकर हाकिम हो गए मक्के में मजबूर और बेबस थे मदीना आकर साहेब इख्तियार हो गए मक्के में बे थे मदीना आकर साहेब इकतेदार हो गए और यहाँ से अल्लाह तबारक ने सहाब क़राम राम रिजवानल मजमाइन से किया हुआ वो वादा पूरा किया कि तुम्हारी ये मेहनत जो हो रही है तुम्हारे आगे हम कई रास्ते खोलने वाले हैं आप देखेंगे वो रास्ते खुले और इस्लाम देखते ही देखते मदीने से दुनिया के चारों तरफ मदीने से वो काफ़िले निकले वो काफ़िले रवाना हुए जो इस्लाम के परचम को लेकर इस्लाम के झंडे को लेकर दुनिया के मशरक़ में चले गए मगरब में चले गए शमाल में चले गए जुनूब में चले गए मदीने से वो नूर फैला वो रोशनी फैली ईमान की रोशनी तोहिद की रोशनी हक और हिदायत की रोशनी सदाकत व अमानत की रोशनी जिस रोशनी से सारी दुनिया मुनवर हो गई और शिर की जुलमतें काफूर हो गई और तोहैद का उजाला हर तरफ फैल गया तो अल्लाह तबारक वाली का ये जो वादा इस आयत में है ये सिर्फ हज़रा साहब कराम रस्वानलि अजमीन से नहीं क़ियामत की सुबह तक आने वाले मुसलमानों में से जो भी दीन के लिए जीना चाहते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए जीना चाहते हैं दीन के रास्ते पे चलना चाहते हैं अल्लाह का ये वादा उन सबसे है जो दुनिया के लिए जीना चाहे उनके लिए इस आयत में कोई पैगाम नहीं कोई मैसेज नहीं जो दुनिया के लिए जीना चाहे दीन के लिए जीना चाहते हो और अल्लाह के लिए जीना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी मुजाहदा करना पड़ेगा करनी पड़ेगी, तुम्हारी बस और इस्त में जितनी ताकत है वो सब सर्व कर देनी पड़ेगी और ये सब लोगों को खुश करने के लिए और माशरे को खुश करने के लिए नहीं अल्लाह की रजा पाने की नीयत से अगर हो तो फिर रास्ते खुलेंगे राहें खुलेंगी और रोशन मुस्तबिल हमारा इंतज़ार करेगा जैसा कि हमने कहा कि ये तमहीदी गुफ्तु थी जिसके लिए हमने इस आयत का इंतखब किया हमारा जो मौजू बाकी रह गया यानि आलम आखिरत के हवाले से आखिरी गुफ्तु जो डेढ़ दो साल कबल हमने की थी वो मीज़ान के हवाले से थी तराजु जिसमें बंदों के अमाल तोले जाएंगे आने वाले दरूज़ से हम इनशाला मौजूक को मुकमल करेंगे और हमारा अगला मौजू होगा कौसर जो प्यारे नबी वसल्लम को आखिरत में मिलने वाला बहुत बड़ा इनाम है इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को इस दुनिया में आखिरत के साय में तसवर आख़िरत के साय में जीने की तोफ़ी गदा फरमाए दुनिया के धोखे से दुनिया के फ़रैब से और दुनिया की ज़ाहरी चमक धमक से धोखा खाने से अल्लाह ताला हम सब को आप सब को बचाए अल्लामी वल्ला वसलम आरक़ी महमद व आलि वसाब अजमाइन वसलम वरमि वर्का